वेलकम गाइज, आर यू एच एस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए आर यू एच एस एम के चैनल को और पाते रहिए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके कमेंटों के जवाब। ठीक है, आपने जो कमेंट किए थे उनके जवाब। सबसे पहला कमेंट है पूजा जी का, इनका कहना है कि सर बी एच यू का एग्ज़ाम कब होगा प्लीज़ बता दीजिए। अभी जो बी एच यू का एग्ज़ाम है उसका कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। ठीक है, COVID-19 के कारण अभी बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग में है, तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है। ठीक है, चलते आगे। अगला कमेंट है नवीन जी का, ऑलवेज सर हम इस एग्ज़ाम के फॉर्म में प्राइवेट कॉलेज भर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली आप प्राइवेट गवर्नमेंट सब भर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, साहिल जी का कमेंट है सर बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म कब भरे जाएंगे सितंबर में? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दे ताकि आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाए फॉर्म आता है। ठीक है, नवीन जी का कमेंट है ऑलवेज सर इस नंबर नहीं आया तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? जी बिल्कुल, अगर आपका नंबर नहीं आया तो आप जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग का मतलब क्या है, काउंसलिंग में आपको कॉलेज फिलअप करने होते हैं, आप जितने चाहे फिल कर सकते हो। ठीक है, चलते आगे। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया। अगला कमेंट है बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस का ऑनलाइन क्लास होती है क्या? जी बिल्कुल, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जेक लोन जॉब चैनल पर आप कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यूज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है उसका। ठीक है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। चलते आगे, बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस ऑनलाइन क्लास, ठीक है, वहाँ मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अगला कमेंट है फॉर्म कब से भरे जाएंगे? सितंबर से। ठीक है, सितंबर से भरे जाएंगे आपके। चलते आगे, सर आर्ट्स वाले बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, आर्ट्स वाले बीएस नर्सिंग का नहीं भर सकते, ओनली जेएनएम का भर सकते हैं। ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का। ठीक है, और आप इसका जो है आप चाहे तो एएनएम का भर सकते हैं। ठीक है, बीएस नर्सिंग का ओनली साइंस बायोलॉजी वाले ही भर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलते आगे। जितेंद्र जी कमेंट है ओल्ड पेपर सेंड किए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो वीडियो बनेगा स्पेशल। ठीक है, उसमें आपकी सारी जानकारी दे दी जाएगी ओल्ड क्वेश्चन पेपर में कि किस प्रकार से सोल्व करना है, कितने घंटे का होगा, कौन सी लैंग्वेज आएगी और किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, चलते आगे। सर जे एन एम तो बंद हो गया है ना, ओनली फॉर बी एस नर्सिंग ही? देखो, जे एन एम अभी तो नहीं हुआ है बंद, 2020 में तो एडमिशन होंगे आपके, बाद में नहीं होंगे। ठीक है, ये लास्ट बैच रहेगा आपका, तो 2020 में तो आप कर सकते हो। चलते आगे, अगला कमेंट है आर एच एस की फीस कितनी है जनरल वालों की? देखिए, डिपेंड करता है कि कॉलेज कौन सा है आपका, जैसे कि अगर आप एस एम एस में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी निःशुल्क है, जनरल हो, ओ बी सी हो या फिर एस टी एस सी हो, कोई भी कैटेगरी हो, सब फ्री है। ठीक है, हॉस्टल सुविधा भी फ्री है। ओके, आ रही ना फीलिंग? इसके बाद अगर हम कोटा, अजमेर, उधर जो कॉलेज उनकी बात करें, बीकानेर, तो यहाँ पर 50,000 है। ठीक है, चलते आगे। मनीष जी का कमेंट है सर ट्वेल्थ में इंग्लिश में 41 अंक है तो कोई समस्या नहीं होगी? देखो, इनका जो क्राइटेरिया है ना आर एच एस का, ये है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इनमें 45 होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 45 नंबर नहीं है, 41 है, तो दिक्कत हो सकती है, बट आप फॉर्म ज़रूर भरना, अगर सबमिट नहीं होता है ना तो फिर दिक्कत है, आप नहीं भर सकते। ठीक है, अगर सबमिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे, रोनी जी का कमेंट है मेरिट कितनी जाएगी अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ तो? इसकी मेरिट हमेशा जाती है एस एम एस की 70 से अबव हमेशा। ठीक है, और 2020 में भी 70 से अबव ही जाएगी। ओके, और उधर जो कॉलेज है उनकी 55 जाती है। ठीक है, क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर रखना ताकि देख लो एक बार फॉर्म आते आपको पता लग जाए। आपके हर कमेंट का जवाब मैं देता हूँ। सुनील कुमाउत, माय रोल नंबर, अच्छा इनके ट्वेल्थ में परसेंटेज देख लेंगे इसका रिजल्ट। ठीक है, सुनील कुमाउत, सर पैरामेडिकल का पेपर फुल इंग्लिश में होता है क्या? पैरामेडिकल का जो पेपर है वो फुल इंग्लिश में होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, टोटल इंग्लिश में होता है, आपको हिंदी देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश इसमें मजबूत होनी चाहिए। ओके, चलते आगे। अगला कमेंट है आर एच एस में डायरेक्ट एडमिशन होता है क्या सर? जी बिल्कुल नहीं,
डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, इसमें आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए। प्राइवेट में चाहे तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, बट गवर्नमेंट के लिए तो आपको इंट्रेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। चलते आगे, रोल नंबर एच लिविंग बाड़ में बीएस नर्सिंग, ठीक है। तो इनका कहना है कि तो थोड़ा पूरा रेड कर लेते इसको, एज प्रॉब्लम है इनको, ठीक है। तो 16/8/2004 तो अभी चल रहा है 2020, इस हिसाब से आपकी 16 तक बैठे की उम्र जो कि अभी कम है, इसमें 17-25 मांगा गया है, ठीक है। सो आप अप्लाई ज़रूर करें, फॉर्म सबमिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। जब तक आपका जैसे कि आप फॉर्म भरोगे उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 5-6 महीने, तो एज तब तक तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो देख लेंगे वो तो अपन, ठीक है। फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना, नहीं भरता तो अगले साल तो फिर करोगे सही, ठीक है। हीरा लाल कुमार जी का, सर राजस्थान में फार्मेसी का एग्ज़ाम हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो फार्मेसी का एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, ठीक है, और इसको बायोलॉजी और मैथ वाले दोनों कर सकते हैं फार्मेसी के एग्ज़ाम को, ठीक है। क्वेश्चन कितने आते हैं इसके, क्वेश्चन आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें जनरल वाले भी पूछे जाते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। सर राजस्थान में फार्मेसी का पेपर इंग्लिश में होता है? हाँ बिल्कुल इंग्लिश में ही होता है। अगला कमेंट है, काउंसलिंग कैसे होती है सर बताओ? आरएचएस में काउंसलिंग, जैसे कि आपने फॉर्म भरा भी, अभी आप फॉर्म भरेंगे सबके साथ, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ये स्टेप होगी। रिजल्ट के बाद आपकी क्या होगा, रिजल्ट आ गया, नंबर आपने देख लिया, तो उसके बाद काउंसलिंग तो कराओगे ना, तो काउंसलिंग में आपको कॉलेज चूज़ करनी होती है कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप जयपुर के निवासी हो, आपको जयपुर में कॉलेज चाहिए तो आप जयपुर के भर सकते हो टोटल, गवर्नमेंट प्राइवेट वो होता है, वो होते हैं काउंसलिंग, ठीक है, एक प्रकार से तो करवा सकते हो काउंसलिंग, अगर अच्छे खासे नंबर है तो। काउंसलिंग की फीस होती है वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर, जैसे कि राजस्थान की 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसी प्रकार कहीं पर 5,000 है, कहीं पर निःशुल्क भी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है राजस्थान सरकार पर, ठीक है। तो ये होता है काउंसलिंग का क्राइटेरिया, तभी तो कहता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में तभी आएगी जब आपने RUHS चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो नॉलेज आपको तभी मिलेगी, ठीक है, राजस्थान में नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी की, और ये बेस्ट चैनल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और देखिए आपके हर एक कमेंट का जवाब मैंने दिया, और ये फिर वापस वही कमेंट आएगा जिनका हमने पहले रिप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए रिप्लाई कर चुके, कुछ छूट रहे हैं, और इनका कमेंट है सोना सैनी, एग्ज़ाम लेट हो बट होंगे, हाँ बिल्कुल एग्ज़ाम होंगे बट ज़रूर होंगे सोना जी, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे देखो, ठीक है, क्योंकि इसके लेट ही होते हैं, डिले होते हैं, तब तक तो थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा कोविड-19 का, और आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, ठीक है। अगला कमेंट है, सर पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 11th 12th दोनों, देखो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है या फिर नर्सिंग का हो, कोई भी हो, 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। और ये वापस वही कमेंट आ गया जिसका हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हाँ इनके परसेंटेज शो हो रही है, और प्लीज़ सर बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक बता दो, बुक के लिए, हाँ अच्छा बुक के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो RUHS के हिसाब से बताऊंगा मैं, ठीक है, RUHS वैसे मैंने बेसिकली बताया तो जो ऑल इंडिया के लिए, बट आपके RUHS के स्पेशल बताऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, तब तक आप MCQ कीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, सिलेबस आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा अगर आप RUHS चैनल पर आ गए। थैंक यू सर, राकेश जी का कमेंट है, थैंक यू। और सर SMS कॉलेज की फीस कितनी है? फ्री है, ठीक है। अगला कमेंट है कि पीस कितने SMS की? तो निःशुल्क है, ठीक है, 180 रुपये से कुछ लगते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा पीस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? तो क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही आएंगे, ठीक है। अगला कमेंट है मनीष जी का, सर बीएस नर्सिंग जो फोर्थ ईयर इसमें बुक की हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, फोर्थ ईयर का मामला है, ठीक है। सर GNM का फॉर्म कब तक आएगा? सितंबर में आएगा प्रवीण जी, ठीक है। सर जी अगर सितंबर में फॉर्म आ भी गया तो उसी हिसाब से कब एग्ज़ाम होगा? एग्ज़ाम सितंबर में होता है लास्ट में, ठीक है, लास्ट सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ट्रैफिक बहुत है इधर, अभी हमारे पास क्या है इधर
मेन रोड निकला हुआ है तो ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, बट मैनेज कर लो यार। सो आपके फॉर्म जैसे आएंगे आपको बता, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट होती है अभी, जो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, शायद बना भी दिया होगा मैंने, नहीं बनाया हो तो बना देंगे, ठीक है। सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको आर जैसे एमकेएस चैनल पर, 750 के आलमोस्ट यहाँ पर सीटें राजस्थान में गवर्नमेंट। टोटल की बात करें तो 5000 के अबाव जाते हैं प्राइवेट मिला के, ठीक है। सर बी एस नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, इनके अलावा किसी को भी नहीं देखना है। अगला कमेंट है सर, गवर्नमेंट कॉलेज में बी एस नर्सिंग जे एन एम करने के बाद डायरेक्ट जॉब लगती है? जी बिल्कुल नहीं, फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है कंपटीशन, फिर जॉब लगती है, ठीक है। श्रीता वर्मा, सर अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऑल इंडिया के अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आर एच एस इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। किरण जी का कमेंट है, सर आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कौन सा क्या कमेंट किया था किरण साह, एक ही तो कमेंट किया आपने, कौन सा अभी? सुनील जी का कमेंट है, सर 12वीं के बेस पे काउंसलिंग कब होगी? 12th का तो जब, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो 12th के बेस पर आपकी जब भी होगी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। किरण जी का कमेंट, हाँ ये रहा, सर हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए, सब मिलेगा ना? बता देना आर एच एस एम के चैनल पर, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जितनी भी राजस्थान की इन्फॉर्मेशन है, नर्सिंग पैरामेडिकल सब कुछ यहीं पर मिलने वाला है आपको, क्योंकि मैं जान अभी मैं समझता हूँ कि आपने, आप राजस्थान के निवासी हो, ठीक है, आपने 12th पास कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया है बायोलॉजी का, रिजल्ट आ गया साइंस का, ठीक है। अब आप भटक रहे हो कि करना क्या है, आपको पता भी लग गया कि नर्सिंग करनी है, बहुत सारे को ये भी करना है, पैरामेडिकल करना है, बहुत सारे को फार्मेसी भी करना है। अब आप भटक गए, जाए तो कहाँ जाए, तो सब कहीं आपको भटकना नहीं है, आप सीधे आर एच एस एम के चैनल पर आ जाओ, ठीक है, ये आपको कॉलेज मेडिसिन तक पहुँचा देगा आपके, ठीक है, ये चैनल ही बताएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट चैनल रहेगा आपके लिए, जो कि आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाकर रहेगा, ठीक है। अभी आप 12th पास आउट हो में समझ सकता हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई होगा नहीं, बस इस चैनल के अलावा, ठीक है। तो आ जाइए, हम भी राजस्थान के निवासी हैं, आपको कॉलेज मेडिसिन दिला के रहेंगे, ठीक है, सपोर्ट कीजिए बट जितना हो सके। अभी बहुत सारे कमेंट रह रहे हैं, उनके भी जवाब दे देते हैं अपन। पैरामेडिकल पर डिप्लोमा फॉर्म कब से होंगे? ये भी उसी टाइम पे होगा जब नर्सिंग के होंगे, ठीक है, दोनों तीनों एक साथ ही होंगे ये। बीएमएलटी के लिए मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहिए, किरण जी का, बीएमएलटी के लिए मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस चाहिए, सिलेबस हाँ देखो धीरे धीरे मिलेगा सब कुछ, ठीक है, डोंट वरी। किरण जी का कमेंट है, हाँ बहुत सारे, तभी इन्होंने बोला कि रिप्लाई। किरण जी का कमेंट है कि सर मुझे एसएमएस कॉलेज में बीएमएलटी कोर्स करना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? पैरामेडिकल में आता ही है, ठीक है, बीएमएलटी डीएमएलटी, तो आपके पैरामेडिकल का जो फॉर्म है वो बनना होता है, बट आपको ये देखना है कि क्या ये कोर्स करवाती है। मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, जाके देखो चैनल पर कि कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, ठीक है, तो पैरामेडिकल का वीडियो चैनल पर जाके देखो, ठीक है, नहीं होगा तो फिर बना दूंगा, बट मैंने अपलोड किया हुआ है जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है। के एम चंद जी का, फॉर्म डेट कब से? सितंबर, ठीक है। विनोद गुजर, सर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक कौन सी? बुक के लिए बहुत सारे कमेंट है, तो मैं वीडियो बना दूंगा बुक का, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा, आप खरीद लेना, उसको परचेज कर लेना, बहुत जल्द मैं आपके लिए इस वीडियो अवेलेबल कर रहा हूँ बुक का, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। सर बी फार्मे के फार्मेसी, अच्छा बी फार्मेसी के लिए कब भरे जाएंगे? सितंबर में भरे जाएंगे सबका, फॉर्म को चिंता है सबको, फॉर्म वॉर्म की चिंता मत करो, जब भी भरेंगे आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, बट कंडीशन यही है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस हुआ होना चाहिए, तभी वीडियो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको वीडियो, मैं पहले बता दूँ, ठीक है, ये आपकी गलती है कि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो फिर आपको वीडियो नहीं मिलेगा, वो सब्सक्राइब करके आपको बैठना नहीं है, बेल आइकन पर प्रेस करना, तब जाके वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको समझदार हो, माया जी का कमेंट, सेकंड व्यू, थैंक यू माया जी, और देखो जो बार बार कमेंट करता है ना उनके नाम तो मैं जानने लग जाता हूँ, ठीक है। अभी माया जी है जैसे कोई, इनके बहुत सारे कमेंट है तो उनको जानने लगे, अभी किरण जी का हो गया, ठीक है, तो इनसे जान हो ही जाती कि हाँ कि वो है, ठीक है। और जब हम लाइव आएंगे थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइब हो जाए, आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर होंगे, अभी 600 है, ठीक है, 400 की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप बहुत जल्द राजस्थान के निवासी जल्द बहुत जल्द इसको पूरा करेंगे, ठीक है। मोहित जी फर्स्ट व्यू, थैंक यू मोहित जी, कमेंट तो अभी बहुत सारे हैं यार, ठीक है। प्रवीण जी का, सर जे एन एम फॉर्म की डेट आ गई है? जी बिल्कुल नहीं, सितंबर में आएगी प्रवीण जी, डोंट वरी, टेंशन ना लो, तैयारी करो आप। तो सर बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? 33, ठीक है, सबसे 33 आएंगे,
बायोलॉजी से 34 आएंगे, इस प्रकार कुल मिला के 100 आएंगे। ठीक है, फुल सपोर्ट करेंगे ओ राजेंद्र जी। ठीक है, तो ये पिछला वाला कमेंट के वीडियो आ गए, इसका यहाँ तक तो हमने बना ही चुके थे, ये ऊपर का यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, पूरा कवर हो गया मानो। ठीक है, तो इसी प्रकार से कमेंट करो और इसी प्रकार से आपको वीडियो के थ्रू आपकी जानकारी के लिए आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट कर दो, फिर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। अब मैंने हर एक का कमेंट का जवाब दे दिया, जहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से और ये यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया, इससे नीचे का वीडियो पहले ही बन चुका है। ठीक है, तो कीजिए कमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।